नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुकुल। एक बार फिर आप सभी लोग का इस चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि हम सभी को पता है कि 2019 हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट साल है। इसमें एक के बाद एक हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, चाहे वो रेलवे का हो, आपका एसएससी का हो। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि एसएससी ने अपने सीजल के एग्ज़ाम्स की फर्स्ट स्टेप ख़त्म की है, उसके बाद एमटीएस के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और रेलवे के बहुत ज़्यादा मोस्ट अवेटेड एग्ज़ाम आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी के लगे हुए हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस चैनल पर आपके लिए एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस की। तो ये जनरल साइंस की टेस्ट सीरीज़ का 16वां पार्ट है। इसके पहले के 15 पार्ट आपको चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। अगर कोई भाई उनको देखने का इच्छुक है तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं, या फिर लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसा बहुत से लोगों ने कहा और बहुत से दोस्तों ने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के साथ ही आप मैथ और रीजनिंग के भी वीडियो बनाइए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स, एक नए चैनल स्टार्ट किया गया, आपका रीजनिंग एकेडमी के नाम से नया चैनल है। उस चैनल के ऊपर आपको कॉन्सेप्ट वाइज आपको रीजनिंग के और साथ में इंक्लूडिंग मैथ के वीडियोस मिलेंगे, साथ में आपको प्रैक्टिस सेट और आपको मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज़ें आपको वहाँ पर अवेलेबल कराई जाएंगी। आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं। अगर आपको चैनल पसंद आए तो प्लीज़ वहाँ पर आप स्टडी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसके फ्रेंड्स, इस आपको जनरल साइंस की सीरीज़ के भीतर आप मैं आपको फिजिक्स, आपकी केमिस्ट्री, आपकी बायो, तीनों के ही जो आपके क्वेश्चन है वो एक ही वीडियो में कवर कराए जाएंगे। इसके लिए आपको अलग अलग वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको सारे के सारे क्वेश्चन इसी में हो जाएंगे। उनका वेटेज आपका करीबन 50-50 का, यानी 50% वो क्वेश्चन है जो आपके पिछली बार आ चुके हैं और 50% वो क्वेश्चन है जो आपके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में ज़्यादा टाइम मैं बर्बाद नहीं करूँगा, आपको मेरी कोशिश है कि वीडियो आपको 10 मिनट के अंदर ख़त्म कर दिया जाए, जिससे कि आपका, मुझे पता है कि 1-1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जो समय का आप ठीक ढंग से सदुपयोग कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि इस टाइप की जो भी वीडियो बने तुरंत तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो हमारा मिशन है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी एमटीएस। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु का समान रूप से गिरती है क्यों, या फिर किस वजह से वो समान रूप से गिरती है, तो उसका समान क्या रहता है? उसका समान आपका त्वरण रहता है। देखिए, त्वरण को इंग्लिश में एक्सीलरेशन बोलते हैं। जब कोई वस्तु एक समान ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है तो वस्तु हमेशा एक समान त्वरण से गिरती है। उसका वेग भिन्न भिन्न हो सकता है लेकिन उसका त्वरण हमेशा एक समान रहता है। अगला क्वेश्चन आपका, लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है किसके अंदर? देखिए, जो आपका लीफ ब्लाइट रोग है वो मैक्सिमम आपका उच्च उत्पादकता वाले धान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है, वो स्थित होता है कहाँ पर? वो आपका जड़ में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन आपका, शुद्ध जल का क्वथनांक फारेनहाइट स्केल में क्या होगा? शुद्ध जल का क्वथनांक आपका फारेनहाइट स्केल में 212 डिग्री फारेनहाइट होता है। तो देखिए, हम इस फॉर्मूला भी जानने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में आपके पास आ जाए तो उसका फॉर्मूला होता है C/5 बराबर F माइनस 32/9। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके आप डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट में आपस में कन्वर्जन कर सकते हैं। C/5 बराबर F-32/9। इस फॉर्मूले के इस्तेमाल से अगर आपको फॉरेनहाइट दे दिया गया है तो आप उससे आप डिग्री सेल्सियस निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? देखिए, त्वरण का मात्रक केएस प्रणाली में मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। माइका क्या है? माइका आपका विद्युत का कुचालक होता है। जो माइका होती है, चीज़ होती है, वो विद्युत का कुचालक होती है। सोने का संकेत क्या है? देखिए, सोने का संकेत आपका AU होता है, इसको AU से डिनोट करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे चांदी का संकेत पूछना चाहता हूँ। देखिए, चांदी को AG बोलते हैं। क्या? चांदी का संकेत आपका AG है, सोने का आपका AU है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? देखिए, प्रेशर कुकर, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रेशर कुकर, देखिए प्रेशर कुकर के अंदर दाब बहुत ही ज़्यादा या प्रेशर या दाब बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। इस वजह से क्या होता है कि जो पानी का क्वथनांक होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। बढ़ने से जो भी उसके अंदर आप सब्जियां, खाना, जो भी आप पकाना चाहें तो वो बहुत जल्दी पक जाता है। इन कंपैरिजन अगर मान लीजिए, उदाहरण के तौर पे आप एक नॉर्मल से बर्तन में खाना रखिए और उतनी ऊष्मा प्रोवाइड करिए और प्रेशर कुकर में रखिए, तो तकरीबन प्रेशर कुकर में नॉर्मल बर्तन की अपेक्षा आधे से कम समय में खाना पक जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दाब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है कि एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है क्या? आवश्यक है आपका रासायनिक प्रतिक्रिया आवश्यक है किसी एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मॉडरेटर।
जो भी आपके न्यूक्लियर प्लांट होते हैं वहाँ पर, इनका काम होता है न्यूट्रॉनों की गति को मंदा करना, न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करना, उनको मॉडरेटर बोलते हैं। इसके लिए क्या आपके इस्तेमाल किया जाता है, भारी जल। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, D2O। D2O होता है, इसको ड्यूटोरियम ऑक्साइड बोलते हैं। ये मॉडरेटर का कार्य करता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। अगला क्वेश्चन आपका, एक प्रकाश वर्ष है। देखिए नाम से जिन लोगों ने पढ़ा उनको तो बहुत अच्छी तरीके पता है, जिनको मान लीजिए नहीं पता है तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। वो प्रकाश वर्ष को क्या बता देंगे, वर्ष पीछे जुड़ा हुआ है। हाँ भाई, समय का मात्रक है। देखिए समय का नहीं है, ये दूरी का मात्रक है। ये बहुत बड़ी बड़ी दूरी, खगोलीय दूरी होती हैं। एक प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं, और ये खगोलीय दूरी को मापने में इस्तेमाल होता है। यानी वे दूरियां जो बहुत ही ज़्यादा दूर, जैसे यहाँ से मान लीजिए आपसे पूछा जाए सूर्य कितनी दूरी पे है, यहाँ से मंगल ग्रह कितनी दूरी पे है, तो ये किलोमीटर माप के व्यक्त नहीं की जा सकती। इनके लिए क्या होगा, एक अलग सी एक राशि खोजी गई जिसको प्रकाश वर्ष के नाम से जाते हैं। ये क्या होता है कि एक प्रकाश की किरण द्वारा एक वर्ष में जितना वो डिस्टेंस तय करती है उसको एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलाकर कितना होता है, 99% मैक्सिमम यही होती है आपकी, 1% बाकी जितनी भी अन्य गैसें पाई जाती हैं वो सब होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, सभी को पता है नाभिक में रहते हैं। परमाणु में आपके प्रोटॉन नाभिक के भीतर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके बाहर चक्कर लगाते रहते हैं जो ऑर्बिट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है क्या होता है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, ठीक है, दोनों चीज़ें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। और जैसा कि इलेक्ट्रॉन हमने चर्चा की कि इलेक्ट्रॉन आपके बाहर होता है, वो कक्षा में होता है। उसका सूत्र क्या होता है, 2n² कक्षा निकालने की, 2 × n² एन का मतलब होता है नंबर ऑफ कक्षा। अगर पहले वाले कक्षा में आप पूछेंगे तो एन का मतलब एक रखेंगे। क्या फार्मूला होता है वो भी आप कोषों की संख्या देख लीजिए, 2n² यहाँ n की वैल्यू क्या होती है, आप 1, 2 रखे थे लोगे, तो अगर एक रखोगे तो 1 का स्क्वायर पहले में 2, अगर यहाँ 2 रख दिया तो 2 × 2 = 4, 2 × 8, यहाँ 3 रख दिया तो 3 × 3 = 9, 2 = 18, तो ऐसे 2, 8, 18, फिर उसके बाद 32 आ जाएगा। ये क्या होता है, जो परमाणु जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है वो कोश बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, कोशों में ये होते हैं KLMN, इस टाइप की जो कोशेज आपकी बढ़ती चली जाती हैं, तो पहले में 2 होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर 18 होते हैं, फिर 32 होते हैं, ऐसे, ठीक है। तो हर तत्व तो क्या चाहता है, हर तत्व तो ये चाहता है कि वो अपना अष्टक पूरा कर ले, जिसकी वजह से वो क्रियाशील होता है। जिन भी जो भी तत्व होते हैं, अगर उसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 नहीं होती, 8 का मतलब अष्टक नहीं होता, तो वो एक्टिव तत्व रहता है, वो अभिक्रियाशील रहता है। जैसे आपकी अग्रिक गैसें होती हैं जो पीरियोडिक टेबल में 18वें वर्ग में पाई जाती हैं, किसमें, 18वें वर्ग के अंदर पाई जाती हैं वो, जैसे हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जीनान, रेडान, ये सारी अग्रिक गैसें होती हैं क्योंकि इनका ऑक्टेन पूरा होता है। इन अगर आप इनको ध्यान से चेक करेंगे तो आप देखेंगे जो इनके जो भी जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो लास्ट में इनके अष्टक होता है, मतलब इनके लास्ट वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनका अष्टक पूरा है, तो इसीलिए ये अग्रिक गैस कहलाती हैं, नोबेल गैस कहलाती हैं, शून्य गैसें कहलाती हैं। लेकिन जिन भी तत्वों के, अब देखिए अगर मान लीजिए 8 से कम है, मान लीजिए किसी भी तत्व के बाहरी कोष में 7 हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक इलेक्ट्रॉन बिल्कुल चाहेगा कि उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, वो स्टेबल हो जाए, तो वो बहुत अभिक्रियाशील होगा। या किसी के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए बहुत एक्टिव रहेगा। तो जितना भी 4 से अगर ऊपर है मैक्सिमम, 4 से नीचे है तो वो क्या करेगा, 4 से जिसके नीचे होंगे वो त्यागने की कोशिश करेगा, 4 से जिसके ऊपर है तो वो उसको लेने की कोशिश करेगा। मतलब इस तत्व के लिए अगर जिस किसी के बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसको इलेक्ट्रॉन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स देना बहुत मुश्किल होगा, उसके मुश्किल उसके जो आसानी क्या रहेगी, इसको 1 इलेक्ट्रॉन्स ले लेना, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन्स लेना इसके लिए बहुत आसान होगा इन कंपेरिजन 7 इलेक्ट्रॉन त्यागना। वैसे उसी हिसाब से अगर मान लीजिए किसी के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या है ना, उसको अष्टक पूरा करने के लिए आपको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 7 इलेक्ट्रॉन मिलना तो उसको बहुत मुश्किल है, तो क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद उसके पास अष्टक ऑलरेडी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये क्या होता है ना, तत्व अभिक्रियाशील होते हैं, जितने उसमें कम होते हैं। अब जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी तत्व के अष्टक पूरा करने के लिए, चाहे वो छोड़े जाएँ, त्यागे जाएँ या फिर आपको लिए जाएँ, उनको क्या बोलते हैं, वैलेंसी, इंग्लिश में वैलेंसी, हिंदी में क्या बोलते हैं, संयोजकता। ये टर्म से भाई ये भी पूछा जाता है बहुत बार, इस चीज़ को भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जंग रष्ट किसका उदाहरण है, जो आपका जंग या रष्ट होता है वो उदाहरण आपका है, आपका जंग और रष्ट जिसे लोहे में जंग लग जाती है, यौगिक का उदाहरण है। जंग लगने के पश्चात में कंपाउंड बन जाता है। और एक और क्वेश्चन बनता है कि जिसे जंग लगने से लोहे के बाहर में क्या परिवर्तन होता है, तो बढ़ जाता है, याद रखिएगा, कम नहीं होता, बढ़ जाता है जंग लगने से। अगला क्वेश्चन है आपका, जल का रासायनिक सूत्र क्या है, सबको पता है, H2O, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 समांतर दर्पण के बीच में धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। देखिए इससे बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी, आपकी कितनी, अनंत होगी।
अगला क्वेश्चन है आपका, सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में क्या होता है? जो सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में क्या होता है? प्रयास एवं फलक्रम के बीच में भार होता है। लीवर आपके 3 प्रकार के होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो जो सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर होते हैं उनमें प्रयास एवं फलक्रम के बीच में भार होता है। अगला क्वेश्चन आपका, एक पिन समतल दर्पण के में प्रतिबिंब बनाती है। एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है, यदि वह दर्पण पिन की ओर 10 सेंटीमीटर खिसक गया तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी खिसकेगा? देखिए, अगर 10 सेंटीमीटर खिसक आएगा तो बनी सी बात है उसका प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर दूर खिसक आएगा, क्योंकि वो समतल दर्पण के सामने रखी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरिया को प्रायः खाद की तरह के प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह किसका स्रोत है? देखिए, यूरिया को खाद की तरह इस्तेमाल करने के पीछे कारण यह है क्योंकि वह नाइट्रोजन का बहुत ही बढ़िया स्रोत है, इसी वजह इसको खाद की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल में आपके 159 यानी 159 लीटर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी समुद्र की सतह का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा घेरे हुए है? यानी जो समुद्र है वह या जल है आपका, वो पृथ्वी की कितने हिस्से को कवर किए हुए है? वो आपका 71% हिस्से को समुद्र कवर किए हुए है। अगला क्वेश्चन आपका है, किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है? देखिए, आपकी जो परमाणु संख्या होती है, इसके परमाणु में जो इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को उसकी परमाणु संख्या बोलते हैं। नाभिक में परमाणु प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या बोलते हैं। परमाणु भार किसको बोलते हैं? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को परमाणु भार बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? देखिए, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य आपका रेड कलर का होता है, इसी वजह से जितने भी सिग्नल्स ये दूर से दिखाई पड़ जाता है, जितने भी हमारे सिग्नल्स होते हैं वो लाल रंग के होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु उसका नाम क्या है? यानी जो कम्युनिकेशन जो बेतार के कम्युनिकेशन के लिए होती है वो कौन से परत में होता है? वो आपका होता है वायुमंडलीय आयनोस्फीयर में होता है। अगला क्वेश्चन है, ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है किससे? आपकी ठोस की शुद्धता उसके गलनांक बिंदु द्वारा निर्धारित की जाती है। अशुद्ध रहने पर गलनांक हमेशा कम हो जाता है, ठीक है, इसी ध्यान रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है, कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं? वह कौन सी शाखा है जिसके अंदर कीड़ों का अध्ययन किया जाता है? उसको बोलते हैं आपको एंटोमोलॉजी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करिए। लाइक करने में आप कंजूसी मत बरता करिए, उससे मोटिवेशन मिलता है। और इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिए और चैनल को बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे इस टाइप की जो भी वीडियो बने आपके पास में जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।